दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्लीनर, वो भी यूज किए हुए नींबू की मदद से। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम बनाएंगे एक क्लीनर, स्ट्रॉन्ग क्लीनर, जिससे हम अपने घर की टाइल्स, अपने बर्तन, वॉशरूम टाइल्स और कोई भी कंटेनर्स, बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। स्वागत है दोस्तों चैनल मनप्रीत जसल में, मेरा नाम है मंजीत। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग क्लीनर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और वेस्ट किए नींबू की मदद से। दोस्तों आपके घर में यूज करने के बाद नींबू बच जाते हैं और अक्सर हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम इकट्ठा करके रख लेते हैं और उसके बाद काम में ला सकते हैं। दोस्तों हमने कुछ नींबूओं को यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये यूज किए हुए नींबू है, आप देख सकते हैं ये यूज किए हुए नींबू हमने संभाल के रख लिए थे। और अब हम किस तरह से इससे क्लीनर बनाते हैं आप देख लेना। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले आपने एक गिलास पानी को एक पैन में गर्म कर लेना है। यहाँ पे हमने एक गिलास पानी को एक पैन में उबाल रखा है। अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे उबालेंगे। दोस्तों आप सभी नींबू के जो छिलके हैं, जो पूरे नींबू हैं यूज किए हुए, उसको हमने अच्छी तरह से गर्म पानी में पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये हमने एक गिलास पानी लिया है और ये 5 नींबू के 2-2 टुकड़े हैं, आधे आधे नींबू हैं जो हमने यूज कर लिए थे, और उनके छिलके जो वेस्ट नींबू होते हैं, आप वेस्ट समझते हैं, वो उसको हमने काम में ला रहे हैं और एक क्लीनर आपको बना के दिखाएंगे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लीनर है, जिससे हम अपने बर्तन को धो सकते हैं। और जैसे ये गैस पे गंदगी जम जाती है, वो गंदगी हम साफ कर सकते हैं, जो हार्ड स्टेन्स हैं वो हम साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेनर है, क्लीनर है सॉरी। इससे हम वॉशरूम की टाइल्स भी साफ कर सकते हैं, अपनी किचन की शेल्फ साफ कर सकते हैं, कंटेनर साफ कर सकते हैं और किसी भी तरीके का मैल साफ कर सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने के बाद हम इसे यूज करके भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए गर्म पानी में पकाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नींबू का रस पूरी तरह से निकल कर पानी में आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। दोस्तों हमने नींबू को गैस से उतार लिया है और ठंडे ये हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसे निचोड़ेंगे नींबू को, ताकि इसका जो रस है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए। सभी नींबू को निचोड़ने के बाद हम इसे छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि नींबू का रस नीचे रह गया है उबलने के बाद। छानने से क्या होगा कि इसके जो बीज है और जो पल्प है वो अलग हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ लिक्विड फॉर्म रह जाएगी। हम इसको छान लेंगे। ये हमने एक गिलास पानी डाला था और पकने के बाद ये आधा गिलास हमारे पास लिक्विड बचा है, इतना ही हम पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल वाटर जो हम घर पे यूज करते हैं वही पानी हम इसमें और ऐड करेंगे। दोस्तों इसके बाद हम एक बॉटल में इसको डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक बॉटल ली है और उसके जो ढक्कन है उसमें हमने थोड़े से छेद कर रखे हैं, क्योंकि हम जब इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये उबलने लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितना पानी हमने इस गिलास में डाला है उतना ही पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक गिलास पानी पूरा डाला है, एक गिलास पानी ही हमने पहले लिया था और एक गिलास पानी ही हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 2 चम्मच। हम 2 चम्मच, नॉर्मल चम्मच है ये, बेकिंग सोडा के इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद हमने ढक्कन लगा दिया है
और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, मैश करेंगे। ये मिक्स होना शुरू हो गया है और ये आप देख सकते हैं इसकी गैस जो है वो बाहर को उबल रही है, ये पूरी तरह से भर चुका है, इसलिए हमने इसमें ऊपर छेद करे थे। ये देखिए आप, बाहर निकल चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद ये बेकिंग सोडा बिल्कुल बैठ चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे कोई भी लिक्विड जेल। हमने इसको ढककर रखा था ताकि इसकी जो गैस है बाहर ना निकले। अब ये इसमें हम डालेंगे कोई भी 2 चम्मच लिक्विड जेल के। यहाँ पे हम विम जेल ऐड करने जा रहे हैं, विम जेल के हम 2 चम्मच ऐड करेंगे और उसके बाद ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसे यूज़ करके, सफाई करके। हाँ जी, हम 2 चम्मच ऐड करने जा रहे हैं विम जेल के। और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। कोई भी जेल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हिला लें, मिक्स कर लें। और अब हम इसे अच्छी तरह से इसका मुंह बंद करके इसको शेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे यूज़ करके दिखाएंगे अपने फ्लोर पे, टाइल्स पे, या गैस की जो गंदगी होती है और जो हमारी बाथरूम टाइल्स होती हैं उस पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे हमने इसको ये टाइल्स पे यूज़ करके दिखा रहे हैं। आप साथ के साथ ही इसकी चमक देख सकते हैं कि किस तरह ये चमकने लग गई हैं। इसका कलर और इसका कलर आप फर्क देख सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी दाग को हटाता है। हाँ जी, एक मिनट देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने इसको साफ किया था, यहाँ तक और आगे के जो टाइल्स है उसमें फ़र्क है, इसकी सफाई और वहाँ की आप देख सकते हैं। अब हम इसे नीचे भी डाल के दिखाएंगे, जहाँ पर भी हम ये लगाएंगे वहाँ पे मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। आप देख सकते हैं इसे लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी मक्खी नहीं बैठ रही। तो अब हम इसे अपने गैस पे, चूल्हे पे दिखाएंगे। जी गैस पे जमे हुए दाग, जैसे दूध उबल जाता है और जो कोई सब्जी वगैरह नीचे लग जाती है, गिर जाती है, तो उसके दाग बहुत मुश्किल से जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा बिल्कुल साफ हो चुका है, यहाँ पे बिल्कुल काला था, यहाँ पे दाग लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे साथ में वो भी बिल्कुल साफ हो चुके हैं। तो आप इसे एक बढ़िया क्लीनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं घर पे। और इसको बनाने का तरीका आपने जान लिया है, ये कितना आसान है और ये बनता भी है तो वेस्ट नींबू के मदद से। यूज़ किए हुए नींबू को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं क्लीनर बनाने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।